सीवान में नए एसपी के आने के बाद भी अपराधियों में बिल्कुल भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। सीवान में बेकौफ अपराधी आए दिन सोरबेशाही और सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार हथियारों से लैस अपराधियों ने निजी अस्पताल के मेडिकल शॉप और काउंटर से लूट की है। वहीं वारदात की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग की है, जहां संजीवनी हॉस्पिटल में देर रात्रि हथियारों से लैस बेखौफ अपराधियों ने मेडिकल शॉप और काउंटर से लैपटॉप, मोबाइल और 5000 नगद रुपए की लूट कर ली। वहीं लूट का विरोध करने पर हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों के परिजनों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की है। अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हथियार लहराते हुए अपराधी घटना को कैसे अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। इसी बिल्डिंग में डॉक्टर अशोक का मकान भी है, जिससे वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। वहीं सिवान आईएमए के सचिव शरद चौधरी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन 3 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो रात्रि सेवा बंद करने के साथ ही कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। फिलहाल नगर थाना और महादेवपी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। कल रात को करीब 9:30 बजे के समय में अधिक ठंड थी, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, फॉगिंग था, कुछ दिख नहीं रहा था। इसी समय में 4-5 अपराधी बाइक से उतरे और हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट को पिस्तौल और चाकू का धमकी दिखाकर हमारे स्टाफ से खुलवाए और उसके बाद वो फराफर मेरे हॉस्पिटल परिसर में घुस गए। घुसने के बाद जो भी हमारे मरीज भर्ती थे उनके साथीदार से के साथ मारपीट झगड़ा करने लगे, उनसे मोबाइल कैश छीनने लगे। उसके बाद वो अचानक फिर फार्मेसी दुकान में घुस गए और वहाँ जाने के बाद में जो कैश काउंटर है वहाँ से जो भी नकदी था वो उसको बरामद कर लिया। लैपटॉप रखा हुआ था, लैपटॉप छीन के चले गए। फिर मोबाइल चार्ज के लिए रखा हुआ था, वो मोबाइल को लो अपने हाथ में लेकर चले गए और हमारे जो भी स्टाफ थे उसके साथ मारपीट किया, उसे धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद एक स्टाफ ने मुझे खबर किया ऊपर मेरे निवास स्थान पर, तो मैंने ऊपर से बालकोनी से उसको देखा तो मुझे कुछ भदिया भदिया गाली दे रहे थे। तो फिर मैं नीचे आना चाहा लेकिन उनके हाथों में पिस्तौल देख कर मैं सहम गया और अब मैं अपनी सुरक्षा के दृष्टि से मैं अपने अंदर से निवास का गेट बंद कर लिया। बाद में वो उत्पात मचा कर कुछ देर के बाद यहाँ से निकल गए। नहीं, हम इस तरह की खौफ में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अभी दहशत का माहौल बना हुआ है, हमें भी बहुत, हम रात को इमरजेंसी में भी उठते थे लेकिन अब इस तरह का माहौल को देखते हुए लगता है कि मुझे इमरजेंसी सेवा भी बंद करनी पड़ेगी और हमारे भाई बंधु चिकित्सक लोग भी दहशत में हैं। हम सिवान के नए एसपी से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, हमारे डॉक्टरों को सुरक्षा दे, हमें सुरक्षा दे जिससे हम मरीज की सेवा कर सकें। यहाँ पे मरीज आया था कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने अंदर करे, गेट खुला हुआ था, तब तक एक यात्री वाले जा रहा था टेम्पो, उसको रोक के उसको मारपीट किया। फिर हम लोग के हॉस्पिटल गेट खुला हुआ था, हमको पीछा किया, हम अभी गेट बंद कर रहे थे तब तक पिस्टल घुमाते हुए अंदर घुस गया। अब लोग हम लोग डर से बाहर गए, तब तक आया दुकान में लूटपाट किया, मेरा मोबाइल और लैपटॉप रखा हुआ था वो उठा के लेके चला गया सब। क्या कुछ कैश भी ले गया? कैश भी शायद ले गया है, काउंटर में था। क्या लगता है कि जैसे लगातार ये घटना घट रहा है, डर बना रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत डर बना हुआ है हम लोग के बीच, हम लोग के स्टाफ के बीच कुछ भी हो सकता है। ऐसा डर करीब 3 के करीब थे, हथियार भी था। जी, तीनों के हाथ में हथियार था, पिस्टल लिया हुआ था। पुलिस आई थी? पुलिस थोड़ी देर बाद आई। अभी पुलिस आई है? अभी आई है, कार्रवाई चल रही है। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार शर्मा। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 15 साल में सिवान में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। आज तक तो मरीज के परिजनों से इलाज संबंधी बात को लेकर के हल्की फुल्की झड़प हुआ करती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल पहली बार और एक बहुत ही सनसनी और डराने वाली घटना है। हम लोग जो रात में निर्भीक होकर के जो सेवा दिया करते थे, आज हमारे बहुत सारे सदस्यों का ये मांग हो चला है कि हम लोग रात्रि सेवा बंद कर दें। लोग 3 दिन का वेट कर रहे हैं, अगर इसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हमने एक आपात मीटिंग बुलाई हुई है, उसमें सदस्यों का जो निर्णय होगा, इसलिए कि हम लोग हड़ताल भी करते हैं तो लोग भी
कहते हैं कि भाई ये लोग हड़ताल कर देते हैं, लेकिन मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे हड़ताल को कहते हैं कि इनमें सेवा भावना नहीं है, ये डॉक्टर लोग निर्दयी हैं, आखिर वो हमें बताएं कि हम कैसे काम करेंगे जब हम सुरक्षित ही नहीं है, बात नहीं है। लेकिन हमें जो लगता है पर्सनली कि क्राइम जो है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, और इसका ये परिणाम है कि अपराधी इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि वो पिस्तौल लेकर के और मरीज के परिजन और डॉक्टर के घर तक घुसने लगे हैं। ये तो शुरुआत है, और इस बात को लेकर के हम लोग ये चाहते हैं कि पहली बार ये पहली घटना है सिवान के लिए, तो हमारा जिला प्रशासन एक ऐसा नज़ीर पेश करे कि अपराधी उसको देख करके और सुन करके थरथर कांपे, दोबारा ऐसा घटना किसी भी चिकित्सक से करने के बारे में हज़ार बार सोचें। हमारा नर्सिंग होम है, इसमें डॉक्टर अशोक कुमार डॉक्टर संजीव कुमार बैठते हैं। रात में 9:30 बजे करीब में हमको घर बगल में हमारा घर है, फोन गया कि अपराधी आकर यहाँ लूटपाट मचाए हुए हैं। तो हम घर से संख्या में चले और यहाँ आते आते पता चला कि अपराधी भाग गया है। आए दिन यहाँ पहले सोना चांदी लूटा जा रहा था, अब लगता है कि यहाँ डॉक्टरों भी सुरक्षित नहीं है, मेडिकल भी सुरक्षित नहीं है, तो आए दिन में कौन किसका इलाज कर पाएगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कितने अपराधी आए थे और क्या कुछ लूट के ले गए, क्या कुछ बताएंगे? यहाँ 4-5 के करीब में अपराधी आए हुए थे और पिस्टल दिखाते हुए हमारे स्टाफ को यहाँ से भिड़ाया और भगाते हुए सबको अंदर किया और हमारे मेडिकल में घुसे। मेडिकल में घुसने के बाद वो वहाँ से लैपटॉप और काउंटर से 4-5 हज़ार रुपया और मोबाइल स्टाफ का ले गए हैं, और यहाँ जो रोगी भर्ती थे उन लोगों को भी लाते जूते से मारे और मारकर अपना अपाची से भाग निकला। था कि 2005 के पहले इस तरह की घटना घटती थी, और अभी हमको लग रहा है कि फिर 15 साल वाला पहले वाला जंगल राज सरकार में। सही बात है, अभी हम महादेव ओपी पर गए थे तो वहाँ भी एक व्यक्ति आया था FIR करने के लिए कि हमारा लैपटॉप और मोबाइल रास्ते में मोटरसाइकिल से छीना गया था। ये रात में यही अपराधी 2-3 जगह घटना का अंजाम दिया है। हमको तो लग रहा है कि जब से SP साहब आए हैं और घटना बढ़ती जा रही है। SP साहब से निवेदन है कि शाम में अपने स्वयं निकले और देखे कि कहाँ गश्ती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, उसको आम जनता को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, हॉस्पिटल पर और डॉक्टर को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉड्यूलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।